दोस्तों आप देख सकते हो, मैं अभी अपना कंप्यूटर में विंडोज़ 10 लाइट यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि विंडोज़ 10 लाइट है। और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं या इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अपना कंप्यूटर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो मैं अपना कंप्यूटर 1 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस कंप्यूटर में मैं 3 ऐसे एमुलेटर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो आपका अगर 1 GB या 2 GB रैम है आपका कंप्यूटर में, आप उस एमुलेटर की यूज़ करके गेम आसानी से खेल सकते हो। इस पर भी यही दिखाने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोले सब्सक्राइब कर देखिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन उस कॉल पर प्रेस कर देखिए, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो और टीवी रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारा इम्यूलेटर्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सारा का सारा इम्यूलेटर्स जो है लो एंड पीसी में चलने वाला है। तो ये सारा जो इम्यूलेटर है, कुछ कुछ इम्यूलेटर हाई एंड पीसी में नहीं चल रहा है। तो आप अगर हाई एंड पीसी में इसको यूज़ करने का सोच रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, आप इस सारे एप्लीकेशन को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से पहले आप अपना कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वीटी टेक्नोलॉजी जो है उसको इनेबल कर लीजिएगा। वर्चुअलाइजेशन को कैसे इनेबल करते हैं, उसके लिए आप एक बार गूगल कर लीजिएगा अपना कंप्यूटर का जो मॉडल नंबर देके, एक बार गूगल कर लीजिएगा कैसे आप अपना कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर सकोगे। उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस जो है ट्राई करना। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना कोई भी ब्राउजर में चले जाओ। ब्राउजर में जाने के बाद आपको LD प्लेयर लिख के गूगल में सर्च कर लेना है। सर्च करते ही जैसे ही आपको आपके सामने सबसे पहले जो लिंक आएगा LDPlayer.net, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा LD प्लेयर का जो लेटेस्ट वर्षन है, लेटेस्ट वर्षन है एंड्रॉइड 7.1 के ऊपर बेस्ड है और 2021/5/12 का ये लेटेस्ट वर्षन है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो इसका कुछ फीचर्स यहाँ पे शो हो जाएगा और जितना भी विदाउट ग्राफिक्स भी सपोर्ट कर जाएगा। तो LD प्लेयर यहाँ पे आपको इस डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे देखिए, आप स्पेशल मेंशन किया गया है कि फ्री फायर इसमें आप आसानी से खेल सकते हो, यानी कि इस सारे इम्यूलेटर के अंदर आपको की मैपिंग देखने को मिल जाएगा पहले से। तो डाउनलोड पे जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक छोटा फाइल डाउनलोड हो रहा होगा। 450 MB का एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो जब तक डाउनलोड होता है आपको वेट कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। फिर ऐसे आपके पास कुछ यूजर इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं या कस्टमाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहले ब्राउजर को मिनिमाइज कर देते हैं। फिर पे अगर कस्टमर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव इंस्टॉल होगा, आप दूसरा ड्राइव पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए। 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे स्टार्ट करके भी ओपन कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा शॉर्टकट, इसको भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके के यूजर इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट होगा, आपको वेट कर लेना है। फिर यहाँ पे इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे जो है एंड्रॉइड स्टार्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका कुछ यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से आपका सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, की मैपिंग जो है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप कोई गेम डाउनलोड करना चाहते, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी LD स्टोर यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। और यहाँ पे प्ले स्टोर का लिंक है। तो यहाँ पे देखिए, इस फोल्डर में जाएंगे तो प्ले स्टोर है, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट गेमिंग के स्टोर पे चले जाओगे। देख सकते हो, यहाँ पे इसको इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे जितना सारा गेम्स है, आप सारा गेम्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउजर पे आने के बाद लेफ्ट ड्राइव 2021 लिख दीजिए और ऊपर में जो वाला ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, फ्री डाउनलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 271 MB का है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इसको जैसे क्लोज कर देंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड फोल्डर में चले जाइए। फिर यहाँ पे देखिए लिप ड्राइड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ दिखाएगा, तो इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। फिर यहाँ पे एग्री कर देंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट इंस्टॉलेशन प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे सब कुछ, स्नैपशॉट के लिए, बैक बटन के लिए, होम बटन के लिए। और यहाँ पे जो है, आप अगर आपका कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है उस एप्लीकेशन को ब्राउज करके जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी तीसरा एंड लास्ट का बात करते हैं दोस्तों, स्मार्ट गागा। आपको ब्राउजर में ऐसे स्मार्ट गागा लिख देना है, उसके बाद आपको ये वाला जो नीचे आने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है स्मार्ट गागा डॉट नेटवर्क फाइल्स वर्जी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको लेटेस्ट वाला वर्जन जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड 7.1 ये है और विद एंड्रॉइड 4.4, आप 7.1
7.2 इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि फायदा यह है कि 7.1 पर लगभग सारे गेम यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर क्लिक कर देने के बाद ये डाउनलोड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक ऐड है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये जो लिंक है ओपन हो गया है, तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ में क्लिक कर देंगे। फिर ये देख सकते हो ये डाउनलोड में चला गया है। चलिए डाउनलोड फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट कर लेते हैं। दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, तो अभी इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे आई एग्री, फिर यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप पे स्मार्ट गागा इंस्टॉल हो चुका है, तो इसके ऊपर डबल टैप करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्मार्ट गागा जो है ये स्मार्टफोन जैसा एक यूजर इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन हो गया है, तो आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अब देख सकते हो दोस्तों ऐसे करके यूजर इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा आपके सामने। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्ले स्टोर सेटिंग्स ये सब करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा इम्यूलेटर है, आप अपना कंप्यूटर में अच्छे से रन कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी मदद मिला है, थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस में अपना चैनल अपलोड करता रहता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।